हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 2022 में हम लोग किए थे, जिसका 2023 में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यानी आप देख पा रहे हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। रिटन टेस्ट के लिए कहाँ सेंटर गया है, सब कुछ इस पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे इसके मेन साइट पे आएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर CBT ASI / स्टोनो एंड हैंड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। ठीक है, ये 2022 में फिलअप किया गया था, 2023 में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर CBT ट्रेडमैन 2022, यानी ये भी फॉर्म 2022 में फिल किया गया था ट्रेडमैन के लिए, इसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नीचे आएंगे तो लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर CBT सिटी ड्राइवर या DCPO 2022, इसका भी फॉर्म 2022 में फिलअप किया गया था। रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इन तीनों में से मैं केवल एक के लिए बता देता हूँ किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक है, बाकी उसी तरह आप जो कि अपना रोल नंबर या जो कि एप्लीकेशन नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले सेक्शन को बताते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपको कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे CISF रोल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है। आपके मेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज चला आया है। ठीक है, वो रोल नंबर आपको यहाँ से फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करना है, इसका कैप्चर कोड फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी पूरी डिटेल यहाँ से दिखाई देगी, पर्सनल डिटेल। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ से जो भी डिटेल है, जहाँ भी आपका सेंटर गया है उस सेंटर का नाम यहाँ से दिखाई देगा। इसके बाद एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक दो सेकेंड लगेगा यहाँ पर डाउनलोड होने में, या आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करेंगे आपको यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ से अपना डेट दिखाई देगा, किस डेट को आपका एग्जाम है, कि कौन से शिफ्ट में है, कितने ड्यूरेशन का होगा आपका एग्जाम, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिया हुआ, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो हिंदी में लिखे, ठीक है, आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में भी लिखेंगे, 1 से 9 तक यहाँ का अंक लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ। इसके बाद पिता का नाम ऐसा देंगे, माता का नाम ऐसा फिल करेंगे, उम्मीदवार का पता और एड्रेस यहाँ सब कुछ फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएंगे। इसके बाद पिन कोड यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर उम्मीदवार के बाएँ हाथ के अंगूठा का निशान यहाँ से फिल करेंगे, 1, 2। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका एग्जाम कराएगा उसका सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आप फिल कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जाना है। ठीक है, आपको मुद्रित ई प्रवेश पत्र के लिए 2 प्रतियां लेके जाना है, यानी इसका प्रिंटआउट 2 आपको लेके जाना है। मूल पहचान पत्र में आपको अपनी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपका हो यहाँ से ले जा सकते हैं। आपको एक पेन लेके जाना है, वो भी आपको बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोबाइल, कैलकुलेटर ऐसा कुछ नहीं ले जाना है आपको। ठीक है, इसके बाद सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक है, आपका कितने ड्यूरेशन का होगा, कितने मिनट का होगा, ठीक है, सब कुछ इस पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने CISF हैंड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया, वो भी रिटन एग्जाम के लिए। तो आशा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।